अंतरदेशीय राजमार्ग प्राधिकरण के गठन का एक प्रस्ताव है। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के बारे में ये कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश एक लैंडलॉक्ड स्टेट है। दुनिया के अंदर भी और देश के अंदर भी उन देशों ने प्रगति की जिनके पास जितना बेहतर जलमार्ग है। देश के अंदर भी वे राज्य आगे बढ़ गए थे क्योंकि उनके पास एक्सपोर्ट की सस्ती सुविधा थी जिनके पास जलमार्ग था। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के कि उन्होंने देश का पहला इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया के बीच में प्रारंभ किया और आज सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है। पिछली बार हम लोगों ने देखा था कि 13 जनवरी को दुनिया का सबसे लंबा क्रूज वाराणसी से डिब्रूगढ़ के बीच में भी प्रधानमंत्री जी ने फ्लैग ऑफ किया था। इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी उत्तर प्रदेश में जल यातायात को बढ़ावा देने, इसके माध्यम से वाटर स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज को भी तेजी के साथ आगे बढ़ाने, पर्यटन की सुविधाओं में बढ़ोतरी करने के साथ साथ उत्तर प्रदेश को एक्सपोर्ट के एक हब के रूप में, क्योंकि देश के अंदर सबसे अच्छी कृषि और सबसे अच्छा जल संसाधन उत्तर प्रदेश के पास है और अयोध्या इस देश से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अयोध्या कहते हैं आज से 2000 वर्ष पहले अयोध्या की राजकुमारी जल मार्ग से साउथ कोरिया गई थी और कोरिया के राजकुमार से विवाह बंधन में जोड़ करके वहां के आज एक महत्वपूर्ण राजवंश की परंपरा अपने आप को कोरियावासी भावनात्मक रूप से अयोध्या के साथ जोड़ते हैं। बल्कि इसी रामकथा पार्क के बगल में क्वीन हो पार्क के निर्माण का कार्य कोरिया और उत्तर प्रदेश सरकार मिलकर के संपन्न भी कर रही है। इस दिशा में अयोध्या में यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर जो हमारी महत्वपूर्ण लगभग 12 के आसपास नदियां ऐसी हैं जो जल यातायात के लिए बहुत मायने रखती हैं, जैसे गंगा जी में ऐसे यमुना जी में, सरयू जी में, राप्ती में गोमती है, इन सभी नदियों में ये सुविधाएं उपलब्ध की जा सकती हैं। इसके लिए ये अथॉरिटी भारत सरकार के साथ मिलकर के कार्य करेगी और उत्तर प्रदेश को अपने परंपरागत उत्पाद को या उत्तर प्रदेश के जो कृषि प्रोडक्ट है इसको भी दुनिया के मार्केट में पहुंचाने के लिए, इसको निर्यात करने के लिए एक सुविधा विकसित होगी। जिससे आज इसकी अथॉरिटी के गठन की प्रक्रिया राज्य स्तर पर भी हम लोगों ने करने का निर्णय लिया है, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। दूसरा, अयोध्या धाम की दिशा, मैंने पहले ही बताया कि यहां पर पहले से ही 178 महत्वपूर्ण परियोजनाएं जिनमें केंद्र और राज्य सरकार 30,500 करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर रही है। इन परियोजनाओं के साथ साथ आने वाले समय में यहां आने वाले श्री राम जन्मभूमि में भगवान राम लला के भव्य मंदिर निर्माण के उपरांत रामलला के मंदिर में विराजमान होने के बाद श्रद्धालुओं और पर्यटकों की जो भारी संख्या यहां पर आने जा रही है उसको ध्यान में रखते हुए यहां पर श्री अयोध्या धाम तीर्थ विकास परिषद के गठन का भी प्रस्ताव रखा गया है और इसको हमारी कैबिनेट ने पास किया है। यहां के पर्व, यहां के त्यौहार, यहां की व्यवस्था को और अच्छे ढंग से कोऑर्डिनेट करते हुए स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर केंद्र सरकार के सहयोग से और अन्य विभिन्न धर्मार्थ संस्थाओं के सहयोग से इसे कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, इसके लिए इस प्रस्ताव को भी हम लोगों ने पास किया है। इसके साथ ही मां पाटेश्वरी धाम देवीपाटन धाम तीर्थ विकास परिषद के गठन की भी प्रक्रिया प्रारंभ आज यहां पर उसको भी पास किया है, क्योंकि वह एक महत्वपूर्ण तीर्थ है और नेपाल से जुड़े हुए श्रद्धालुओं की यात्राएं नवरात्रि के दौरान, खासतौर पर बासंती नवरात्रि के अवसर पर वहां पर एक यात्रा नेपाल से विशेष रूप से आती है। उस दृष्टि से भी इस धाम के विकास, उसके समग्र विकास की दृष्टि से इसकी व्यवस्था की गई है। तीसरा,
सुख तीर्थ विकास परिषद, हम सब जानते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण की पहली कथा सुख तीर्थ में हुई थी। मुजफ्फरनगर जनपद में पवित्र तीर्थ है और जहां पे राजा परीक्षित को सुखदेव ऋषि ने पहली भागवत की कथा वहां पे सुनाई थी और जिसके कारण उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ था। उसे एक तीर्थ विकास परिषद के रूप में विकसित करने के लिए हमारी सरकार ने वहां पे गंगा के धारा को लाने में सफलता प्राप्त की है और अब उसे तीर्थ विकास परिषद के माध्यम से माध्यम का कार्य करने जा रहे हैं। यह भी यहां पे निर्णय लिया गया। अयोध्या में 25 एकड़ भूमि, यहां पर माझा जमथरा में आज हम लोगों ने मंदिर म्यूजियम के लिए, भारत के अंदर अयोध्या धाम में कोई दर्शन करने के लिए आएगा तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के का विजन है कि वह दर्शन करने के साथ साथ भारत की मंदिरों के वास्तु के बारे में भी जाने। अलग अलग कालखंड में किस किस प्रकार के मंदिर बने थे, उत्तर में, दक्षिण में, पूरब में, पश्चिम में, मध्य यूपी में, उन सभी मंदिर को मंदिर म्यूजियम के माध्यम से हम श्रद्धालुजनों और पर्यटकों के सामने रख सके, मंदिर इतिहास के बारे में जानकारी दे सके, इसके लिए 25 एकड़ भूमि उपलब्ध करवाने की व्यवस्था का प्रस्ताव भी कैबिनेट ने यहां पर पास किया है। अयोध्या में अयोध्या शोध संस्थान 1986 में स्थापित हुआ था। इस दौरान पिछले 6-7 वर्षों में शोध संस्थान ने काफी प्रोग्रेस की। अब सरकार ने निर्णय लिया है कि यहां इसके स्थान की स्थिति बहुत सीमित है, इसका विस्तार देते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय रामायण और वैदिक शोध संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान के रूप में स्थापित करने के उनका निर्णय लिया गया है और इसके लिए विस्तृत लैंड लेकर के हम वहां पे इसको एक अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान, जिसमें रामायण भारत के अंदर रामायण से जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार के जो कार्यक्रम है भारत के अंदर, दुनिया के विभिन्न देशों में भी भगवान राम की कथा गई है, वैदिक ज्ञान की परंपराओं से दुनिया जुड़ा हुआ है, उन सबको जोड़ते हुए एक विस्तृत अंतर्राष्ट्रीय शोध केंद्र की स्थापना हम रामायण और वेद दोनों पर यहाँ पर करेंगे, उसका भी निर्णय यहाँ पर लिया गया है। इसके अलावा हाथरस में ब्रज द्वार देहरी हाथरस में एक लक्खी मेला लगता है बाऊजी महाराज की स्मृति में, भगवान श्री कृष्ण के जो बड़े भाई थे बलराम जी, उनकी स्मृति मेला लगता है, इसका प्रांतिकरण करने का निर्णय लिया गया है। अयोध्या में जितने भी मेले लगेंगे, चाहे वह कार्तिक मेला लगता है, रामनवमी का मेला लगता है, देव दीपावली का है, आपका दीपोत्सव का कार्यक्रम है, या फिर मकर संक्रांति और बसंत पंचमी का मेला, इन सबको प्रांतिकरण करने यानी राज्य सरकार इन सभी में स्थानीय प्रशासन को भरपूर सहयोग करती थी, लेकिन आने वाले समय में फंड की प्रॉब्लम न होने पाए, इसकी समस्या न होने पाए, यह भी आज कैबिनेट ने यहाँ पर लिया है। इसके अलावा अनुपसर बुलंदसर में कार्तिक पूर्णिमा का गंगा स्नान का एक बड़ा मेला लगता है, इसका भी प्रांतीयकरण करने का निर्णय सरकार ने लिया है। इसके साथ ही काशी में देव दीपावली के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए उसको भी प्रांतीयकरण करने का निर्णय सरकार ने यहाँ पर लिया है। और प्रदेश में इसके अलावा उत्तर प्रदेश में सोगी बरवा, ये महाराजगंज जिले में नेपाल बॉर्डर से उत्तर प्रदेश और नेपाल तक के पूरा विस्तृत एक वन्य क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र में इको टूरिज्म को बढ़ाने के लिए पर्यटन विभाग को वहां पर राज्य सरकार की जो लैंड है उसे उपलब्ध करवा के, जिससे वहां पे आने वाले पर्यटकों के लिए हम लोग बुनियादी सुविधाएं दे सकें, इसके लिए भी निर्णय आज की कैबिनेट ने लिया है। प्रदेश के अंदर टीएचआर यूनिट स्थापित करने के लिए राज्य सरकार का निर्णय है, महिला स्वयंसेवी समूहों को बड़े पैमाने पर पोषाहार की योजना को
उसी जनपद में प्लांट लगा करके विकासखंड स्तर पर प्लांट लगा करके क्वालिटी फूड की सप्लाई हम कुपोषित बच्चों को, धात्री महिलाओं को और कुंवारी कन्याओं को उपलब्ध करवा सके। इसके लिए राज्य सरकार एक वाइबिलिटी गैप फंड, जब तक वे आत्मनिर्भर नहीं होती है एक निश्चित सीमा के लिए, हम लोग उन्हें राज्य सरकार के स्तर पर सपोर्ट करेंगे। इसका निर्णय भी सरकार ने लिया है और ड्रोन पॉलिसी के तहत ड्रोन आज बहुउपयोगी हो चुका है। फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी के साथ साथ एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी और अन्य तमाम क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियां भी इसका उपयोग कर रही हैं। उपयोगी है लेकिन दुरुपयोग होने की संभावना भी रहती है, तो इसके लिए राज्य सरकार ने भारत सरकार के सिविल एविएशन एक्ट के अंतर्गत इस पॉलिसी के राज्य स्तर पर भी एक नियमावली तय की है और उस नियमावली को हम लागू कर रहे हैं कि कोई भी ड्रोन होगा वह रजिस्ट्रेशन उसका अनिवार्य हो, ड्रोन के लिए व्यवस्था अनिवार्य होगी कि वहां एक रजिस्टर थाने स्तर पर भी होगा, वहां भी मालूम होना चाहिए कि इस थाना क्षेत्र में कितने ड्रोन मौजूद हैं, किस प्रकार के उपयोग के लिए है। और राज्य के अंदर भी रेड, ग्रीन एंड येलो जोन निर्धारित करने की भी एक कार्रवाई होगी। और बहुत सारे क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पे वीडियोग्राफी सुरक्षा के लिहाज से उचित नहीं होगा, उसको नो फ्लाई जोन के रूप में ड्रोन की कोई भी एक्टिविटीज वहां पे नहीं हो सकती। येलो जोन ऐसा होगा जहां पर स्थानीय स्तर पर प्रशासन तय कर सकता है, एक निश्चित अथॉरिटी होगी जहां से उसको परमिशन लेकर के वह कर पाएगा। ग्रीन जोन में सेस एक्टिविटीज जो भी फोटोग्राफी की होगी और कुछ उसके लिए पाबंदी तय की गई है, कुछ नियमावली, एक लक्ष्मण रेखा भी तय की गई है, उस लक्ष्मण रेखा के अंदर रहते हुए हम उसकी परमिशन देने की व्यवस्था उसके साथ करेंगे। यहाँ एक ड्रोन पॉलिसी को भी आज सरकार ने यहाँ पर तय किया है। और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव और आज हमारे मंत्रिमंडल में आया था, वह कैबिनेट ने यहाँ पे पास किया है, वह हमारा शीतकालीन सत्र प्रारंभ करने के लिए 27 को दलीय नेताओं की बैठक होने के साथ ही 28 नवंबर से हम शीतकालीन सत्र करेंगे जो लगभग एक सप्ताह का हो सकता है। तो एक सप्ताह के लिए इस सत्र को, जिसमें सरकार की सप्लीमेंट्री डिमांड्स आएंगी, कुछ विधायी कार्य हैं ये भी इस दौरान संपन्न होंगे। इन महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर के आज हम सब यहाँ पर आए थे। यहाँ के विकास कार्यों को हमारे कैबिनेट के सभी साथियों ने उसका प्रेजेंटेशन देखा है। जन्मभूमि मंदिर जाते समय, हनुमानगढ़ी जाते समय कुछ कार्यों का अवलोकन भी किया है और अयोध्या धाम के समग्र विकास को ध्यान में रख करके जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा है, उनके विजन के अनुरूप हम अयोध्या को, उत्तर प्रदेश को विकास के एक नए प्रतिमान के रूप में स्थापित करने में सफल होंगे, इस विश्वास के साथ परसों दीपोत्सव कार्यक्रम में आपसे फिर से यहाँ पर मुलाकात होगी, इस विश्वास के साथ मैं आज के इस पूरे कार्यक्रम के लिए अपने पूरे मंत्रिमंडल का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि वे सभी यहाँ पर अपने अपने कार्यक्रमों को छोड़ करके आए और कार्यक्रमों के साथ यहाँ के विकास के कार्यों को उन्होंने नजदीक से देखा है और अपने विभागों के माध्यम से भी जो प्रयास हो सकते हैं उसको पूरी तत्परता के साथ आगे बढ़ाने के साथ अयोध्या और उत्तर प्रदेश के समग्र विकास में लोग रुचि ले रहे हैं। आप सब भी अपने पूरे कार्यक्रम के साथ आए हैं, आप सभी मित्रों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ और दीपोत्सव और दीपावली की अपनी मंगलमय शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद।